नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐतिहासिक अंडर 16 क्रिकेट मैच के बारे में। मैं कोई आईसीसी इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में जिसका नाम है द लोटस पाउट स्कूल चैलेंज। और इस कॉम्पिटिशन का फाइनल खेला गया था द रॉयल हेरिटेज और आदर्श विद्या मंदिर के बीच। एक तरफ थे कोच मिस्टर हरी साडू, जिनके कोचिंग मेथड्स काफी ऑर्थोडॉक्स और इनोवेटिव थे और जो हमेशा बात करने से पहले कुछ अजीब हरकत करते थे। और दूसरी तरफ थे मिस्टर हैरी ओबेरॉय, जिनको हम सम्मानित करेंगे फैक अवार्ड से। तो दोस्तों द कोवर्ट इंडियन फैक अवार्ड फॉर द वर्स्ट एवर कोच इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट गोज टू मिस्टर हैरी ओबेरॉय। अब ये वर्स्ट कोच कैसे बने हम आगे बात करेंगे इस पे। तो कहानी शुरू होती है अंडर 16 टीम के सिलेक्शन ट्रायल से, जहाँ पर तीन दोस्त शकील, वीरपाल और गुरिंदर सिलेक्शन के लिए आ जाते हैं। गुरविंदर की बॉलिंग और वीरू की बैटिंग से सिलेक्शन कमेटी का बंदा काफी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन शकील इतने अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाते। तो ये कमेटी के मेंबर शकील को कुछ ऐसा सजेशन देते हैं, विच इज प्रोबेबली द सेकंड बेस्ट बॉलिंग सजेशन आफ्टर ठीक से बॉलिंग कर। वो शकील से ये कहते हैं कि उन्हें लाइन लेंथ और कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। ये बात सुनकर तो शायद शकील की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसके बाद वो काफी एक्यूरेसी से बॉलिंग करता है। तो तीनों बच्चे ट्रायल्स पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और वीआईपी कल्चर की वजह से उनकी फाइनल टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाती है। फिर भी इन बच्चों को अपनी हुनर दिखाने का एक और मौका है लोटस स्पोर्ट्स स्कूल चैलेंज में खेलकर। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जिस स्कूल में पढ़ते हैं आदर्श विद्या मंदिर, यहाँ पे तो क्रिकेट की टीम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुश्ती खेला जाता है। और दूसरी तरफ है रॉयल हेरिटेज स्कूल, जो ये टूर्नामेंट लगातार 5 बार जीत चुकी है, लेकिन उनके पुराने क्रिकेट कोच अब रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि सर जी को इंग्लैंड में नौकरी मिली है। एंड सो रॉयल हेरिटेज हैज अ न्यू क्रिकेट कोच मिस्टर हरी साडू, जिनसे बच्चे इतने खुश नहीं है बिकॉज ही इज वेरी लो प्रोफाइल एंड ही डज नॉट मैच देयर इकोनॉमिक स्टेटस। क्या है ना, ये अमीरों का स्कूल है, सो जस्ट बिकॉज द किड्स आर रिच दे आर शोन टू बी वेरी एरोगेंट, प्राउडली फ्लॉन्टिंग देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सभी अमीर बच्चों को यहाँ पर बहुत ही घमंडी, अकड़ू और ओवर कॉन्फिडेंट बताया गया है। इनमें फालतू का एटीट्यूड है। और कोच से कैसे बात करते हैं, सर 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्रैप। अरे भाई, मेरे स्कूल में जो क्रिकेट कोच था उनसे हम यस सर, नो सर, कैन आई गो टू टॉयलेट के अलावा कुछ भी बात नहीं करते थे। Also, this is not the first time that we are seeing a very caricaturish characterization of the rich. 1992 में हमने ये देखा कि मॉडल कॉलेज के बच्चे सब अच्छे बच्चे, लेकिन राजपूत कॉलेज के बच्चे बहुत ही बदतमीज हैं। इनफैक्ट इकबाल में भी हमने ये चीज देखी है, जहाँ पर एक वीआईपी का बच्चा कमल बार बार इकबाल को गुंगा बहरा बुलाता है। देखो, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है दैट इफ समवन इज रिच, जरूरी नहीं है कि उसको बुरा आदमी होना चाहिए। मान लीजिए आपके किसी दोस्त के पास महिंद्रा थार है, तो आप क्या उसे जज करेंगे कि बड़ी गाड़ी है तो बड़ा एटीट्यूड होगा बंदे में? ऐसा नहीं होता है। अब इन्हें देखिए, ये है मिस्टर चेतन कुंभर फ्रॉम गोवा, प्राउड ओनर ऑफ ब्रांड न्यू महिंद्रा थार, जो आप भी जीत सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। कुछ भी सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए, आज के मैच का यानी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच का मेगा कंटेस्ट ज्वाइन कीजिए, अपनी चॉइस की टीम बनाइए। टीम बनाने का प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, और फिर और कुछ नहीं भाई, दैट्स इट। अगर आपकी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर कर दिया तो आप जीतेंगे महिंद्रा थार। और दोस्तों, बढ़िया ऑफर चल रहा है, जो भी अमाउंट आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा यहाँ पर। और इतना ही नहीं, डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा ₹1,500 बोनस। तो दोस्तों, डाउनलोड द माई 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन द मेगा कंटेस्ट एंड मेक योर टीम। वैसे आज के मैच के लिए ये मेरी टीम होगी, तो आप भी बनाइए अपना टीम, क्या पता हमारी कोवर्ट इंडियन कम्युनिटी में ही कोई महिंद्रा थार जीत जाए। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। Now coming back to Royal Heritage, जब इनके कोच मिस्टर साडू इस बैट्समैन को एक जेन्युइन एडवाइस देते हैं, तो ये बंदा कोच से कहता है कि डू यू नो आई एम द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस टीम। जी हाँ, एक ऐसा बंदा अपने आप को सचिन तेंदुलकर कहलाता है, जो ड्राइव करते वक्त अपनी बॉडी और बैट के बीच में इतना गैप रखता है कि हमारे चहल सर भी वहाँ पर मौज कर सकते हैं। तो कोच बच्चों से बहुत मेहनत कराते हैं, नॉट जस्ट ऑन बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, बट ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर फिटनेस लेवल्स। अमीर बच्चों से ये हरासमेंट रहा नहीं जाता, तो एक क्रिकेट कोच को फायर करने के लिए पेरेंट्स मीटिंग होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कोच अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये अमीरों का स्कूल है और यहाँ पर अमीर लोग डम्ब है, कोई इनसे लॉजिकली आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो मिस्टर हरी साडू को फायर किया जाता है, हरी साडू इज आउट एंड दे हायर मिस्टर हैरी ओबेरॉय। यू सी व्हाट द राइटर्स डिड हियर, हरी इज आउट एंड हैरी इज इन। वाह वाह, क्या गजब राइटिंग है। अब ओबेरॉय को क्रिकेट का इतना ज्ञान है कि वो ज्ञान बांटने से भी काफी शर्माते हैं। मेरा मतलब ये कि मैंने इनको गेम के बारे में बात करते कभी देखा ही नहीं। सीरियसली दोस्तों, आई डिड नॉट सी हिम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम इवन वंस।
अरे क्रिकेट को तो गोली मारो, इनके हिसाब से ब्रायन लारा की गर्लफ्रेंड कौन है ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन अंडरस्टैंडिंग लारा'स गेम एंड दिस इज सपोज टू बी फनी। वाह क्या कॉमेडी करते हैं। फनी का तो पता नहीं, डेफिनेटली डज नॉट इवन वर्क एज अ सटायर एंड अगेन आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड क्योंकि ये अमीर बच्चों का कोच है सो ही हैज टू बी पोर्ट्रेड इन अ नेगेटिव लाइट। तो ये दो ऐसे प्लेयर्स को टीम में शामिल करते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स ही नहीं है और प्रैक्टिस सेशंस तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, नोबडी इज सीरियस हियर। दूसरी तरफ है हरी साडू जो सिर्फ 15 दिन के अंदर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के कुश्ती करने वाले लड़कों के साथ एक क्रिकेट टीम बनाते हैं एंड ऑब्वियसली इस टीम के बच्चे काफी सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी लगन के साथ मेहनत करते हैं एंड ऑल्सो ऑब्वियसली हरी साडू इज वेरी हार्डवर्किंग, इनोवेटिव एंड अ मच बेटर कोच देन मिस्टर ओबेरॉय। सो द लोटस स्पाउट क्रिकेट चैलेंज स्टार्ट्स ऑफ एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग के फाइनल किसके बीच खेला जाएगा, रॉयल हेरिटेज वर्सेस आदर्श विद्या मंदिर, द पुअर वर्सेस द रिच, द गुड वर्सेस द बैड। अब ये गुड स्टैंड्स फॉर इंडिया, तो आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे टीम इंडिया का जर्सी पहनते एंड नो वंडर दैट द रॉयल हेरिटेज किड्स वेयर द येलो जर्सी दैट मैचेस वेरी क्लोजली विद द ऑस्ट्रेलियन जर्सी ऑफ दैट टाइम। और ओबेरॉय भी अपनी टीम से यही कहते हैं, बी अग्रेसिव, मेक पर्सनल अटैक्स, डू इट द ऑस्ट्रेलियन वे, प्ले लाइक ऑस्ट्रेलिया। अबे ये प्ले लाइक ऑस्ट्रेलिया कम से कम नेट प्रैक्टिस के वक्त तो बोल देता। एज इफ दैट वॉज नॉट इनफ, एक प्लेयर का नाम भी रिकी है। इट्स अ 30-ओवर मैच एंड एज एक्सपेक्टेड रॉयल हेरिटेज की टीम वो सब कुछ करते हैं जिसे अनस्पोर्ट्समैनलाइक बिहेवियर या चीटिंग कहा जा सकता है। जानबूझकर प्लेयर को धक्का देकर इंजर करना, डेलिबरेटली बॉलिंग अ बीमर, स्लेजिंग के नाम पर पर्सनल अटैक्स करना और यहाँ तक कि बॉल टेम्परिंग भी करते हैं। ओके, वेयरिंग द येलो जर्सी एंड डूइंग बॉल टेम्परिंग वाज काइंड ऑफ अ नाइस फोरशैडोइंग टू द 2018 सैंडपेपर गेट स्कैंडल। एनीवेज, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये सब करने की क्या जरूरत है क्योंकि अंपायर भी रॉयल हेरिटेज के साथ ही है। जी हाँ, मैच के पहले ही हैरी ओबेरॉय अंपायर के साथ भी सेटिंग करते हैं। सो एवरीथिंग इज अगेंस्ट विद्या मंदिर स्कूल। तो ये डस्ट बॉल पर रॉयल हेरिटेज पहले बल्लेबाजी करती है, द क्राउड इज वेरी एक्साइटेड, काफी इनोवेटिव बैनर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि वी आर सो कूल, वी आर सो हॉट, चेक अस आउट यू लंगोट्स। अंपायर LBW के हर एक अपील को नॉट आउट डिसीजन देते हैं। ऑन एनदर इंस्टेंस, एक बाउंड्री मारने के बाद हेरिटेज के बैट्समैन बॉलर को देख के बाउंड्री लाइन की तरफ इशारा करते हैं, वेरी सिमिलर टू व्हाट आमिर सोहेल डिड विद वेंकटेश प्रसाद एंड देन द वेरी नेक्स्ट बॉल द बैट्समैन गेट्स क्लीन बोल्ड। स्पिनर गुरविंदर जिन्हें साडू सर टीम के भज्जी कहते हैं काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं और ये झट से दो विकेट भी लेते हैं। हेरिटेज के कैप्टन सिद्धार्थ सिंगानिया बैटिंग पर उतर आने के लिए रेडी होते हैं तो फैक अवार्ड्स वर्स्ट कोच के विजेता मिस्टर ओबेरॉय कैप्टन से ये कहते हैं, बी अग्रेसिव बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप। तो कैप्टन साहब क्या करते हैं, एक रन लेते वक्त गुरविंदर को जानबूझकर धक्का देते हैं, गुरी इज इंजर्ड एंड टेकन ऑफ द फील्ड एंड मिस्टर ओबेरॉय इज माइटी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट। ये सही है, इफ यू कांट बीट देम इन द गेम जस्ट बीट देम। हेरिटेज के बैट्समैन लगातार लोटस स्पाउट बाउंड्री मारते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से यहाँ क्रिकेट एक्शन कैप्चर किया गया है। हम बैट्समैन को शॉट मारते वक्त देखते हैं विच इज मोस्टली अ क्लोज शॉट एंड देन इट कट्स टू बॉल क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन। बीच में क्या हुआ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द बाउंड्री ये राज भी उसी के साथ चला गया। ड्रिंक्स ब्रेक में एवरीवन इज गेटिंग फ्रेश, ये शकील तो स्नान ही कर रहे हैं, भाई किधर पानी छिड़क रहा है। ब्रेक के बाद गुरी मैदान पर वापिस आ जाता है, इंजुरी कोई भी हो सकती थी बट वेरी कन्वीनियंटली इट्स अ ब्रोकन जॉ सो दैट मिस्टर साडू कैन रिमाइंड द किड हाउ कुंबले प्लेड विद अ ब्रोकन जॉ इन वेस्ट इंडीज। गुरी बॉलिंग पे आते ही हेरिटेज स्टार्ट लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड देयर फाइनल स्कोर इज 190 रन्स इन 30 ओवर्स। द चेस बिगिंस और जब आदर्श विद्या मंदिर के बैट्समैन डिफेंसिवली खेलना शुरू करते हैं, रॉयल हेरिटेज के प्लेयर्स अपने ही कैप्टन से कहते हैं, बॉडी लाइन बॉल करो, मार साले को, ब्रेक देयर बोन्स। भाई इतना डार्क तो कैप्टन रसल भी नहीं था और ये बैट्समैन बेचारा ईमानदारी से बैटिंग कर रहा है चुपचाप, फिर भी बॉलर उसके पास आकर इंग्लिश झाड़ता है, डोंट मेस विद मी। अरे स्लेजिंग के नाम पर जो मजाक हो रहा है दैट इज अ मेस। 191 को चेस करते हुए विद्या मंदिर का स्कोर है 45 फॉर 6 इन 12 ओवर्स। अगला बैट्समैन इनका विकेट कीपर है तो ऑब्वियसली इनका नाम माही है। माही प्लेज वेरी अटैकिंग शॉट्स फ्रॉम बॉल वन, सिर्फ चौके छक्के मारता है और ये अमीर बच्चों को बाउंड्री लाइन पे रुकना पसंद नहीं है, शायद उनके शान के खिलाफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल द 11 प्लेयर्स आर इनसाइड द सर्कल, माही आउट हो जाते हैं, देन कम्स द भज्जी ऑफ द टीम गुरविंदर। तो हेरिटेज के कैप्टन सिद्धार्थ कम्स अप विद दिस एब्सोल्यूट जेम, आइए भज्जी साहब आपका भाजी बनाते हैं। और फिर एक चौका मारने के बाद गुरी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं विच ब्रिंग्स बैक द मेमोरीज ऑफ श्रीशांत सेलिब्रेशन आफ्टर ही हिट एंड्री नेल फॉर अ सिक्स इन अ टेस्ट मैच इन 2006। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर में गुरी अपना विकेट खो बैठता है तो 8 विकेट जा चुके हैं विद 39 स्टिल नीडेड ऑफ 30 बॉल्स। लेकिन फिर भी ये बॉल टेम्परिंग करते हैं क्योंकि व्हाई नॉट, द मैच गोज डाउन द वायर विद विद्या मंदिर नीडिंग 5 रन ऑफ द लास्ट 6 बॉल्स।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके सेट बैट्समैन वीरू नॉन स्ट्राइकर एंड पे है और स्ट्राइक पे है नंबर 10 बैट्समैन शकील। नाउ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक अ सिंगल, शकील ट्राइज टू हिट 6 ऑफ एवरी बॉल व्हाइल आल्सो मेकिंग अ स्ट्रेंज साउंड। विद 4 डॉट बॉल्स इन अ रो, दे समहाउ मैनेज टू टेक अ बाय ऑफ द 5th बॉल। तो अब जीतने के लिए एक बॉल में 4 रन चाहिए। कैप्टन सिद बॉल्स अ बाउंसर, बैट्समैन वीरू कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कीपर भी बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड द बॉल स्लोली क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन। विद्या मंदिर विन द मैच एंड विद इट द लोटस स्पाउट क्रिकेट चैलेंज। एंड देन समथिंग वेरी फनी हैपेंस, मिस्टर ओबेरॉय टेल्स हिज टीम, चलो विनिंग टीम को कांग्रेचुलेट करते हैं, लेट शो सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो बंदा अंपायर के साथ सेटिंग करता है, बाहर के 2 प्लेयर्स को इलीगली टीम में शामिल करता है, अपनी टीम से ये कहता है बी अग्रेसिव बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, ऐसा बंदा मैच के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की लेक्चर दे रहा है। कुछ साल बाद हरी साडू मुंबई मैवरिक्स के कोच बन जाते हैं एंड सैडली ही इज मर्डर्ड लेटर। रॉयल हेरिटेज के कैप्टन सिद्धार्थ सिंघानिया कंप्लीट्स हिज स्कूलिंग एंड जॉइंस अ वेरी अमीरों का कॉलेज, लेकिन अफसोस वहां पर भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन वो जीत नहीं पाते और बंदे में उतना ही अकड़ है जितना उनको स्कूल में था। तो दोस्तों मूवी का नाम है से सलाम इंडिया, इसे आप गूगल प्ले पर देख सकते हैं। ओवरऑल गाइस द मूवी इज नॉट दैट बैड, इट्स नॉट एट ऑल ऑफेंसिव। द मूवी डेफिनेटली ब्रिंग्स अप सम रियल इश्यूज, जैसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलना चाहते हैं लेकिन उनके स्कूल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सके। थोड़ी बहुत सिलेक्शन पॉलिटिक्स के बारे में भी दिखाया गया है बट ओनली ऑन अ सरफेस लेवल। आई लाइक द वे हरी साडू असेंबल्स हिज टीम एट विद्या मंदिर एंड सीन्स बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ कम एज अ वेलकम रिलीफ। बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द पोर्ट्रेल ऑफ हिज एंटागनिस्ट। गुड वर्सेस बैड दिखाने के चक्कर में बैड को मतलब 80s के विलेन जैसे दिखाया गया है, एब्सोल्यूट कैरी कैचर्स विद नो डेप्थ टू देयर कैरेक्टर्स। ये अमीर बंदे सब बुरे हैं, एरोगेंट है, दैट्स इट, दैट्स देयर वन लाइन कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। मिलिंद सुमन इज कम्प्लीटली मिसकास्ट एज द क्रिकेट कोच एंड मिस्टर ओबेरॉय इज मोर ऑफ अ मैच फिक्सर रेदर देन अ कोच। और ये गुड वर्सेस बैड में व्हेन यू लुक एट द गुड साइड एवरीथिंग इज गुड, सब दिल के अच्छे हैं, सब सिंसियर है, डेडिकेटेड है। अरे जिंदगी ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ये अच्छा है ये बुरा है, we all are flawed individuals, we all are shades of grey. Thank you for watching the video guys, pasand aaya ho to like zarur kare and please don't forget to download the My 11 Circle app from the link provided in the description to win Thar and extra 20% cash. Press the bell icon to get notification of my new uploads. You can also follow me on my social media handles which is again mentioned in the description.